प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अपने घरों पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और बच्चों, तो आपको अपने सुरक्षा के दायरों को बरकरार रखने के लिए और कोरोना से सुरक्षा के लिए हमेशा मास्क लगाए रहना है, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोते रहना है और भीड़ भाड़ वाली जगह पे नियमित दूरी बनाकर रखना है। बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में भूकंप जैसी आपात स्थिति में आपको क्या करना है इसके बारे में बताया जाएगा। बच्चों, आज ये भी बताया जाएगा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों, आपके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर दोस्त अप्पू आपको बताएंगे भूकंप के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं और किस प्रकार की सावधानियां बरतनी हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में डॉक्टर सैयद हुबे अली, यूनिसेफ बिहार के जो कि हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, आपको निमोनिया से बचाव के विभिन्न तरीकों को बताएंगे। और बच्चों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको सुरक्षा के कई नए आयामों को बताया जाएगा ताकि किसी भी आपदा के समय आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो बच्चों, आज का ये कार्यक्रम ध्यान से सुने, अंत तक देखें और हमेशा याद रखें। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। मेरे प्यारे बच्चों एवं शिक्षक बंधुओं, कोरोना वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व परेशान है। इस वैश्विक महामारी से बचने हेतु भारत सरकार अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रही है। इसी प्रकार हमारी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा 10 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक जन आंदोलन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु और कोरोना वायरस से बचने हेतु प्रचार प्रसार सामग्रियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। अरे मुनिया, स्कूल में बच्चों को आपस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां रखनी हैं, उसके बारे में क्या बताओगी? मैं अपने साथ पढ़ने वाले स्कूल के सभी बच्चों को ये बताऊंगी, हम सबको स्कूल में आते समय अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है या कपड़ा बांध के रखना है। दूसरा ये कि प्रार्थना के समय, क्लासरूम में और मैदान में खेलते समय आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बना कर रखनी है। और क्या? भूल गई, मैं बताता हूँ। लंच ब्रेक के समय, पानी पीते जाते समय और छुट्टी के समय पर भी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। और क्या क्या बताओगी? ये भी बताऊंगी कि हम सबको बार बार अच्छी तरह से साबुन और पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि खांसते या छींकते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से लगा हो। और सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसते और छींकते समय मुंह से जो लार की बूंदें निकलती हैं, वो किसी सतह पर या किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना गिरे। और क्लासरूम में मेज कुर्सी या कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाजे की हैंडल जैसी चीजों को बेवजह ना छुए। और अगर छू लेते हैं तो सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धो लें। और क्या? बोलो। और देखा, फिर भूल गई ना। मैं बताता हूँ, अरे किसी भी दोस्त को आपस में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है। हाँ दुक्कू, याद आया, अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम या बुखार है तो स्कूल नहीं आना है और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी है। और इसके अलावा रेडियो और टीवी पर स्कूली बच्चों के लिए मीना की दुनिया, आधा फुल और गली गली सिमसिम जैसे मनोरंजक और शिक्षा प्रद कार्यक्रम भी आते हैं। स्कूल से आकर इन्हें भी तो देखना और सुनना नहीं भूलना है।
इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सभी को बताएंगे, मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे और बन जाएंगे कोरोना चैंपियन। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, आइए आज हम लोग भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए क्या करें और क्या ना करें। भूकंप क्या है? भूकंप का मतलब भूमि का कंपन। हिमालय से नजदीक होने के कारण भूगर्भ में प्लेटों के टकराने की संभावना ज्यादा रहती है। इन क्षेत्रों में जमीन के अंदर फॉल्ट लाइन के कारण चट्टानों के टकराने से भूकंप का खतरा ज्यादा होता है। दोनों के बीच की वह जगह जहां से भूकंप का कंपन शुरू होता है वह भूकंप का केंद्र कहलाता है। भूकंप आने की सूचना हमें पहले से नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि बच्चे भूकंप की मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें यह खोज व बचाव टीम का कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भूकंप एक ऐसी आपदा है जो अतिथि की तरह बिना बताए आती है। इसके आने की कोई तिथि या समय नहीं होता है। भूकंप आने से पूर्व, भूकंप के दौरान, भूकंप आने के पश्चात क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। भूकंप आने से पूर्व घर के सीलिंग में झूमर, लाइट वगैरह मजबूती से टंगे होने चाहिए। दीवार पर लगे सेल्फों को मजबूती से कसा होना चाहिए। भारी वस्तुओं को नीचे के सेल्फ में रखना चाहिए। अलमारी को दीवार से मजबूती से कसा होना चाहिए। भूकंप के पूर्व मॉक ड्रिल करते रहें। भूकंप से बचने का अभ्यास करें। डक, कवर, होल्ड, झुको, ढको, पकड़ो। भूकंप के समय हमें भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। हमें मजबूत टेबल फर्नीचर के नीचे बैठ जाना चाहिए। भूकंप के मूल मंत्र झुको, ढको और पकड़ो की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। झटके आने तक हमें घर के अंदर ही रहना है। अगर हम बेड के ऊपर हैं, तो भी हमें सिर को सबसे पहले बचाने के लिए तकिए को सिर के ऊपर रख लेना चाहिए। तस्वीर के अनुसार आप देख रहे हैं कि जब हम टेबल के नीचे झुको, ढको, पकड़ो करते हैं, तो हमें टेबल के पैर को अच्छी तरह पकड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि उस समय धरती हिल रही होती है और हम उसके साथ कहीं खिसक कर चोट न लग जाए, इसलिए उसको पकड़ कर रखना चाहिए। अगर हम बेड के ऊपर हैं, तो भी हमें सिर को सबसे पहले बचाने के लिए तकिए को सिर के ऊपर रख लेना चाहिए। अगर हम स्कूल में हैं, तो बैग से अपने सिर को ढक लेना चाहिए। अगर हम घर में हैं या किसी अन्य जगह हैं, जहां हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हमें हाथों को मोड़कर सिर को ढक लेना चाहिए। अगर हम कार के अंदर हैं या गाड़ी के अंदर हैं, तो गाड़ी को किनारे ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए। ऐसे समय में अगर हम पुल के ऊपर हैं, तो पुल के ऊपर से जल्दी से निकलने का प्रयास करना चाहिए। फ्लाईओवर, ऊंची बिल्डिंग, बड़े पेड़, टेलीफोन के खंभे एवं बिजली के तार आदि से दूर रहना चाहिए। भूकंप के दौरान मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए और जब भूकंप के झटके रुक जाएं, तो बाहर खुले स्थान में निकल जाना चाहिए। भूकंप के पश्चात जब झटके रुक जाएं, तो हमें खुले मैदान में आ जाना चाहिए। मकान एवं विद्यालय के संदर्भ में यह ध्यान रहे कि हमें मकान की ऊंचाई से 1.5 गुना से ज्यादा दूरी पर खड़ा होना चाहिए। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें पंक्तिबद्ध होकर बाहर निकलना चाहिए। बच्चों, हमें अफवाहों से बचना चाहिए। अगर हम स्वस्थ बाहर निकल चुके हैं, तो हमें घायलों की मदद करनी चाहिए। अपने घर के सदस्यों की या विद्यालय में बच्चों की गिनती कर लेनी चाहिए कि कोई बच्चा अंदर तो नहीं रह गया है। अगर कोई भी अंदर हो, तो उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय में बच्चे सर को बचाते हुए अपने बैग को सर के ऊपर रख कर कतारबद्ध होकर बाहर निकल रहे हैं। मॉक ड्रिल का फ्रेमवर्क।
मॉक ड्रिल का महत्व। किसी भी आपदा से बचने के लिए हमें मॉक ड्रिल की आवश्यकता होती है। शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा जीवन रक्षक तकनीकों का अभ्यास किया जाता है। विपरीत एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए किसी समूह द्वारा किए गए सामूहिक अभ्यास कार्य को मॉक ड्रिल कहा जाता है। मॉक ड्रिल के माध्यम से विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना की वास्तविकता का पता चलता है। भूकंप मॉक ड्रिल का प्रथम चरण है अलार्म बजाना। दूसरा चरण है झुको, ढको और पकड़ो। तीसरा चरण सुरक्षित निकास। चौथा चरण है सभा स्थल पर जमा होना। पांचवें चरण में बचाव की कार्रवाई करते हैं। इसमें अगर कोई अंदर फंस गया है या घायल हो गया है तो उसे सहायता के साथ बाहर निकालेंगे और उसका बचाव करेंगे। छठे चरण में प्राथमिक चिकित्सा की कार्रवाई। अगर कोई घायल है, उसे प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है तो उसका हम प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। सातवें चरण में सभी लोगों की गिनती करते हैं कि उपस्थित सभी लोग हैं या नहीं। अगर कोई अनुपस्थित है या गायब है तो ऐसी अवस्था में इसकी सूचना खोज एवं बचाव टीम को दी जाएगी। इस प्रकार मॉक ड्रिल की यह प्रक्रिया पूरी होती है। धन्यवाद। इन्वेंशन है मसाज चेयर। तभी हमारा अप्पू और भी फिट लग रहा है। अगर सचमुच का भूकंप होता तो क्या करते? ये ठीक पूछा तुमने। याद रखो, अगर तुम घर के अंदर हो तो बिना हल्ला किए किसी मजबूत मेज के नीचे झुक के बैठ जाओ। एक हाथ से अपना सर ढक लो और दूसरे हाथ से उस मेज के पांव को पकड़ लो। ऐसे झुको, ढको, पकड़ो। अगर तुम बिस्तर पे हो या स्कूल में हो तो अपने सर और चेहरे को तकिए या बैग से भी ढक सकते हो। और अगर हम घर के बाहर या गाड़ी में हो तो? बढ़िया सवाल चीना, चलो। अगर घर के बाहर हो तो बिल्डिंग्स, पेड़, बिजली के खंभों जैसी ऊंची चीजों से दूर रहो। और हाँ, अगर गाड़ी में हो तो गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क करके किसी खुली जगह में जाओ। किसी बिल्डिंग की लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो पर आराम से, बिना हल्ला किए। भूकंप में चीजें गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। भूकंप के बाद खुद को चोट या खरोंच के लिए चेक कर लेना भी समझदारी है। भागो! नमस्कार बच्चों, अभी आपने 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया। इस दिवस को प्रत्येक वर्ष एक विशेष थीम के आधार पर मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था जलवायु परिवर्तन, और जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर
पूरी दुनिया में व्यापक रूप से पड़ रहा है। हमारे राज्य में भी प्रत्येक वर्ष जो जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती है, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में बातचीत के लिए आज डॉक्टर सिराज वजी, जो प्रेसिडेंट गोरखपुर एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप नई दिल्ली से हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ढेर सारी बातें करेंगे। सर, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को मेरा नमस्कार। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चों को आज बताएं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। देखिए, जलवायु परिवर्तन को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारा ये सारी जो हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा मौसम। आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ठंड आ रही है, जाड़े आ रहे हैं। इसके बाद हमको सबको पता है कि वसंत ऋतु आएगी, वसंत ऋतु के बाद गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों के बाद फिर बारिश आएगी, बारिश के बाद फिर ठंडक आने लगेगी। तो ये पूरा एक क्रम है, इसको कोई चलाता नहीं है। आप कोई बटन नहीं दबाते हैं कि हाँ अब ठंड आने लगेगी, अब गर्मी आने लगेगी। ये तो अपने आप होता है, ये एक क्रम होता है, एक लय होती है। तो ये जो लय है, ये जो क्रम है, वो अपने आप चलता रहता है। पर हाल में, हाल के दिनों में देखा क्या जा रहा है कि धीरे धीरे ये लय गड़बड़ा रहा है। गर्मी जल्दी आ जाती है, देर तक रहती है, उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जाड़ों में ठंड थोड़ी कम पड़ने लगी है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये एक समस्या की बात है और हम लोग सब महसूस करते हैं इसको कि ये परिवर्तन आ रहा है। आप अपने परिवार में पूछें, बड़े बुजुर्गों से पूछें, तो सब लोग बताएंगे कि हाँ, जैसा पहले मौसम होता था उससे अब में बदलाव हो गया है। दूसरी बात ये भी है कि हमारी धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है, तापमान धीरे धीरे पूरी धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हमारी, जिसके वजह से हम लोगों को महसूस होती है, हम लोगों को दिखाई देती है। सर, इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है और बच्चे जानने के लिए उत्सुक हैं कि जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारक हैं। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं अभी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण क्या हैं? तो एक कारण तो बहुत बड़ा ये है कि हमारे धरती के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत बढ़ गई। आप सबको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सोखता था, कौन एब्जॉर्ब कर लेता था? ये हम सबको पता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब धरती पे अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, हरियाली कम हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निश्चित बढ़ेगी। और साथ में क्या हो रहा है कि जो हम जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ कि जितना धरती के नीचे दबे हुए जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, उनसे अब क्या बन गया, पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, जलाने की लकड़ी हम लोग जलाते हैं जो वो बन गया। अब इसको जो जलाते हैं हम, उसकी वजह से भी गैसें निकलती हैं, वो गैसें जो हैं वो जा करके वायुमंडल में मिल जाती है, जो फिर एक कारक होती है जलवायु परिवर्तन का। तीसरा बात ये भी है कि जो हम शहरों में, गाँव में जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, जो प्रदूषण होता है, जो धुआं निकलता है, जो हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, आपने देखा होगा चिमनी से कितना धुआँ निकलता है। तो ये सब जितनी गैसें हैं, ये गैसें निकल करके हमारे वायुमंडल में आती हैं, और ये वायुमंडल में आने वाली गैसें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे तापमान को, धरती के तापमान को बढ़ाती है, और उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का धरती का तापमान जो है वो बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ सर, अभी जिन कारणों के बारे में आपने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए यह जानना। हम सभी यह जानना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और विशेषकर से बच्चों पे? तो कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, जो सबसे कमज़ोर, जो अपने ताकत में, जो अपने
शरीर में थोड़ा, तो बच्चे तो अभी विकसित हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो बीमारियाँ बढ़ गई, चाहे वो त्वचा की बीमारी हो, चाहे सांस लेने की बीमारी हो, चाहे वो सर्दी जुकाम की बीमारी हो, अभी हाल में आप देख रहे हैं कि सब लोग, हम लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं, तो ये जो बीमारियां हैं वो बीमारियां बढ़ती हैं अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अब आंधी तूफान, बाढ़, सूखा, ये सब ज़्यादा होने लगा, क्योंकि बारिश अलग अलग समय पे होने लगी, जो पहले का समय था वो नहीं होती है, ज़्यादा बारिश एक ही दिन में हो जाती है। इन सब कारणों से होता क्या है कि बाढ़ ज़्यादा आ रही है, सूखा ज़्यादा पड़ रहा है, तूफान ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये दिक्कतें आ रही हैं, वो भी बच्चों को प्रभावित करती हैं बहुत हद तक। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, छुट्टी लेनी पड़ती है, छुट्टी हो जाती है, स्कूल डूब जाता है, तो ये सब जितने नुकसान हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। और बच्चों को जो भोजन मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो भी बहुत हद तक प्रभावित हो जा रहा है, क्योंकि कृषि का उत्पादन ही कम हो जाएगा तो हमको भोजन भी कम मिलेगा, हमको जो पोषण चाहिए वो भी कम मिलेगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो बच्चों को ख़ास तौर से प्रभावित करती हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमारे बच्चों को बताएं। अब बात आती है कि हमको करना क्या चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की, क्योंकि ऐसे हम लोग सिर्फ बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की तो कोई बात बनेगी नहीं। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, सबको जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। उसमें से आप क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो कि हरियाली को बढ़ा सकते हैं। आपके स्कूल में, आपके घरों पे, आपके खेतों में, आपके मोहल्लों में थोड़ी हरियाली बढ़ाना पड़ेगा। पेड़ लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे, घरों में पेड़ लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे, तो एक तो हरियाली बढ़ानी होगी। दूसरा कि जो हम उपयोग करते हैं उस उपयोग में प्लास्टिक को निकालना होगा अपने जीवन से, प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ये प्रण ले लेना है कि अब प्लास्टिक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हम ईंधन जलाते हैं वो ईंधन अब जीवाश्म ईंधन कम से कम जलाएं, मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, अपने मोहल्ले में अपने साथ के बच्चों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने गाँव के लोगों को ये बताएँ कि हमारे खेतों में जो अवशेष हैं उसको न जलाएं, उसको खाद के रूप में बना दें। तो जितना कम ये सब चीज़ें जलेंगी उतना ही कम प्रदूषण होगा, और जितना कम प्रदूषण होगा उतना ही कम जो है वो जलवायु परिवर्तन के ऊपर असर आएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है हरियाली बढ़ाना, प्रदूषण घटाना, प्लास्टिक को अपने जीवन से हटाना, ये सारे काम अगर हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा योगदान हम लोग भी इस धरती के ऊपर एक अच्छा योगदान दे सकेंगे। तो ये उम्मीद आप सबसे है कि आप ज़रूर इस जलवायु परिवर्तन की बात को समझते हुए इन चीज़ों को लेंगे। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया और हमारे बच्चों को काफ़ी रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराए। मुझे उम्मीद है कि बच्चे एवं जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपके द्वारा दी गई जानकारियों से बहुत लाभान्वित होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बच्चों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों से जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मौसम की तो अपनी ही खासियत होती है, लेकिन अब उसका भी ढंग बदल रहा है। गर्मियां लंबी हो रही हैं और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। यही है जलवायु परिवर्तन। जलवायु का अर्थ है किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम का होना। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के
औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जलवायु परिवर्तन सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ते ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का होना पूरे विश्व में चिंता का विषय है। का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी। ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैस हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु जब इसकी औसत मात्रा में वृद्धि होती है तो यह जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बनती है। जलवायु परिवर्तन का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण। शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण की वजह से लोगों के जीवन जीने की शैली में बहुत ही विभिन्नता आई है। जैसे सड़कों पर डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने लगा है एवं उसकी वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एवं उन डीजल और पेट्रोल से निकलने वाले धुआं जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। एवं भूमि का विभिन्न प्रकार से जो उपयोग किया जाए निजी या वाणिज्यिक उपयोग के लिए वनों की कटाई हो रही है जो कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, क्योंकि पेड़ ना हमें सिर्फ छाया देते हैं एवं फल देते हैं बल्कि पृथ्वी पे बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी रोकती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वनों की कटाई भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिससे सांस की बीमारी हो रही है और पेड़ कटने से लोगों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारी जैसे दमा और स्मोक फील हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण सुनने की क्षमता कम हो रही है तथा बाढ़ एवं सूखे का समस्या बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के दो मुख्य कारण है, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय गतिविधियां। प्राकृतिक जैसे कि जल ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री धाराएं आदि जिससे प्रकृति को हानि होती है। दूसरा मानवीय गतिविधियां जैसे कि जंगलों की कटाई, जनसंख्या वृद्धि आदि। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सूखा पड़ रहा है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बच्चे अत्यधिक बीमार पड़ रहे हैं, चर्म रोग बढ़ रहे हैं, कई तरह के जीव जंतु जो है वो विलुप्त हो रहे हैं, पर जलवायु परिवर्तन के यही मुख्य प्रभाव। मैं प्रीति कुमारी सिवाय पटे हाई स्कूल नवावर की छात्रा हूँ। जलवायु में परिवर्तन के कारण नया नया आपदाएं में सृजन हो रहा है। आपदा में उदाहरण के कारण तैयारी असफल होती जा रही है। जलवायु में परिवर्तन के कारण बार बार आपदाओं का सामना करने से हम बच्चे के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे बुनियादी संरचना नष्ट हो जाती है और शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा बन जाती है। भोज्य पदार्थ में पोषण के कमी के कारण कुपोषण बढ़ जाती है जिससे हम बच्चों जलवायु घटना जैसे अधिक गर्मी, मानसिक दबाव के बढ़ने के कारण हम बच्चों के शैक्षणिक कार्य में बाधा बन जाती है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले हानि को कम करने के लिए पेट्रोल की जगह बिजली के वाहनों का उपयोग करेंगे, कागज और जल की बर्बादी नहीं करेंगे, पेड़ लगाएंगे एवं लकड़ी, गोएठे, कोयले की जगह गैस का उपयोग करेंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमें पेड़ की अधिक से अधिक पेड़ लगानी चाहिए, उसकी कटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा वातावरण अशुद्ध हो जाता है, और पानी का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और हमें डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पे गैंग लगना चाहिए और बैटरी पे चलने वाली गाड़ियों का उपयोग होना चाहिए,
और ईंधनों का उपयोग नहीं होना चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक और पन्नी का हमें बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, और जंगलों की जगह जंगलों को काट के मकान और वहाँ पे खेती नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उनका अधिकार भी है। बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए हमारी विशेष देखभाल एवं उनके विशेष खान पान का ध्यान रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही के कारण बच्चे कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें नवजात शिशुओं में एक बीमारी जो कि निमोनिया जैसी बीमारी से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर हुबे अली मौजूद हैं, जो हमें इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। और विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर हम इनसे ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे, नवजात शिशुओं में होने वाली मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए और इसके क्या क्या उपाय हैं जिससे इस बीमारी से बच्चों को बचाकर रखा जाए, इसके बारे में हम ढेर सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के सुरक्षित शनिवार मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। नमस्ते सर, नवजात शिशुओं के देखभाल और उनके मृत्यु दर में कमी लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। इसके अंतर्गत हम सभी आपसे यह जानना चाहेंगे कि बिहार में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर की स्थिति क्या है और इसके क्या कारण हैं, इसके बारे में हम सभी को बताएं। प्रतिवर्ष बिहार में लगभग 1,05,000 से छोटे बच्चे और 68,000 नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। यही आंकड़ों को अगर हम एक घंटे के भीतर देखें तो हर एक घंटे में 12 बाल मृत्यु, 10 शिशु मृत्यु और 8 नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अगर बाल मृत्यु दर की बात करें तो बिहार में बाल मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। 2012 में बिहार के बाल मृत्यु दर SRS के आंकड़ों के हिसाब से 57 प्रति 1,000 जीवित बच्चा थी, यही अब घटकर 37 प्रति 1,000 जीवित बच्चा हो गई है। वहीं पर नवजात शिशु मृत्यु दर बिहार में स्थिर थी, 2012 से लेकर 2017 तक ये 28 प्रति 1,000 बच्चा पर स्थिर थी, पर 2018 के SRS आंकड़ों के अनुसार 10.7% की गिरावट इसमें हुई है। नवजात मृत्यु दर बिहार में भी SRS आंकड़ों के अनुसार 25 प्रति 1,000 जीवित बच्चा है। ये जो आपने पूछा है कि इसके नवजात मृत्यु के कारण क्या है, तो नवजात मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है प्रीमैच्योरिटी, यानी गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने के पहले ही बच्चे का पैदा हो जाना, ये मुख्य कारण है नवजात शिशु मृत्यु दर का। दूसरा बड़ा कारण होता है डिलीवरी के समय में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको रोना ज़रूरी है। जब बच्चा रोता है इसका मतलब ये है कि उसके फेफड़े काम कर रहे हैं, बच्चा सांस ले रहा है। जब बच्चा नहीं रोता है इसको मेडिकल टर्म में एस्फिक्सिया कहते हैं। ये दूसरा बड़ा कारण है नवजात मृत्यु दर का। और तीसरा बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन, जिसको न्योनेटल सेप्सिस कहा जाता है। तो तीन बड़े बड़े कारण नवजात मृत्यु दर के यही है कि बच्चा जल्दी पैदा हो जाना, बच्चे को सांस लेना नहीं आना जीवन मिलने के बाद में, और न्योनेटल इन्फेक्शन। सर, अभी आपने इतने सारे कारणों को बताया, इसी से संबंधित हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि नवजात शिशुओं को निमोनिया से मृत्यु से कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दें। बिहार में जितनी भी बाल मृत्यु होती है उसकी 68% पहले महीने में नवजात जिसको हम बोलते हैं उसी में हो जाती है, और जितनी मृत्यु जो है एक महीने में होती है उसकी 80% जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उससे लेके 7 दिन तक इसी में हो जाती है। तो हम लोगों को यदि हम लोग बर्थ पर फोकस करें, द डे ऑफ बर्थ पर और पहले 7 दिन पर, तो लैंसेट की स्टडी कहती है कि 4 गुना फ़ायदा हम लोगों को होगा। एक तो हम लोग नवजात शिशु की मृत्यु दर कम करने में ये हमको भागीदारी करेगा,
माँ की मृत्यु कम करने में करेगा, मरा हुआ बच्चा जिसको स्टिल बर्थ बोलते हैं वो नहीं पैदा होगा, और बच्चे का न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम होने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो देखते हैं कि हम लोग मेन कारण क्या है जो नवजात मृत्यु दर के है। जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा कारण है प्री मैच्योरिटी, बच्चा गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने के पहले ही पैदा हो जाता है। इसको रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भवती महिला का जो पोषण है, जो आहार माँ लेती है वो अच्छा लेना चाहिए। गर्भावस्था में जो ANC सर्विसेस है, 4 ANC सर्विस कराना सुनिश्चित करना ज़रूरी है। इस ANC के दौरान में कैल्शियम की गोली, आयरन फोलिक एसिड की गोली और TT का इंजेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से बिहार में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने के 9 तारीख को होता है। इसमें ज़रूरी है कि गर्भवती महिला 2रे या 3रे तिमाही पर डॉक्टर से अपना चेकअप कराए। इससे ये होगा कि अगर कोई हाई रिस्क महिला है, जैसे कि उनको गर्भावस्था के साथ साथ में डायबिटीज़ है या उनको हाइपरटेंशन है या अन्य कोई बीमारी है, तो इसको हम लोग अपने गवर्नमेंट अपने सिस्टम में लेके उस गर्भवती महिला को ट्रैक करती है और उनका सुरक्षित प्रसव होने तक उनको ट्रैकिंग की जाती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जो है जल्दी से पैदा नहीं होगा, 9 महीने पूरे होने के बाद ही उसका सुरक्षित प्रसव होगा, और ये बहुत बड़ा कारण है नवजात मृत्यु को बचाने के लिए। दूसरा जो कारण उसका है वो डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को पैदा होने के बाद सांस न लेना, जिसको एस्फिक्सिया कहते हैं। तो इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान कहता है कि यदि हम सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव करवाते हैं और इमीडिएट केयर बच्चे की लेते हैं पैदा होने के बाद में, उसको एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जैसे कि बच्चे को पैदा होने के बाद में इमीडिएटली माँ की छाती से लगा दें। स्टडीज़ ये बताती है कि माँ का दूध अगर बच्चा 1 घंटे के भीतर लेना शुरू कर देता है तो 13% बाल मृत्यु दर या 22% नवजात मृत्यु दर को केवल माँ के दूध पीने की वजह से उसकी नहीं हो पाती है, कम हो जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि जो बच्चा पैदा होता है उसको गर्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लोग नहलाने के बच्चे को गड़बड़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बच्चे को अगर हम लोग गर्म रखेंगे, उसको सुरक्षित रैप करके रखेंगे तो हाइपोथर्मिया नहीं होता है, ये भी एक मुख्य कारण नवजात मृत्यु का, तो इससे भी बच सकता है। मतलब डिलीवरी के दौरान जो भी उपाय है सुरक्षित प्रसव के, यदि वो करते हैं तो नवजात मृत्यु को हम लोग टाल सकते हैं। और तीसरा इसका अहम कारण है, बच्चे ये देखा जाता है कि संस्थागत प्रसव से छूटने के बाद घर में जाके कुछ बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो बिहार में जो पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जिसमें आशा माँ के घर घर जाकर उनको बताती है कि बच्चे को किस तरह से रखना है, किस तरह से रैपिंग करना है, किस तरह से दूध पिलाना है, किस तरह से बच्चे की नाभि को कुछ लगाना नहीं है, लोग तेल लगा देते हैं, कुछ नहीं लगाना है, बच्चे को गर्म किस तरह से रखना है, दूध पीने के बाद बच्चे को किस तरह से बर्पिंग करते हैं, उसके पेट की हवा निकाली जाती है, ये चीज़ें बताते हैं। तो बच्चे का जो है वजन भी ठीक से बढ़ता है और नवजात मृत्यु दर में काफ़ी इससे कमी भी आ जाती है। सर, आपने इतने सारे कारणों को बताया और इसके मृत्यु दर को कम करने के उपायों को भी बताया। सर, हम सभी यह जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार तथा यूनिसेफ नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है, इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करें। सर, यूनिसेफ राज्य स्वास्थ्य समिति और जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बहुत से मिलकर बहुत से उपाय कर रहा है जिससे कि मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को कम किया जाए। इसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे आउटरीच सेशंस लगाए जाते हैं, महीने में 1,10,000 आउटरीच सेशंस लगते हैं। इसमें नियमित टीकाकरण के साथ साथ गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जाँच की जाती है, जिसके अंदर महिला की ब्लड प्रेशर उनका चेक किया जाता है, उनको कैल्शियम की गोली, आयरन फोलिक एसिड की गोली दी जाती है, TT के इंजेक्शन इसमें लगाए जाते हैं और फिर इनको ट्रैक किया जाता है अपने प्रसव तक। साथ ही जैसे मैंने बताया, हर महीने के 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिला का डॉक्टर के द्वारा जांच किया जाता है। इसमें से हम लोग हाई रिस्क मदर्स को ट्रैक करते हैं, साथ ही उनका HIV का जांच भी करवाते हैं। जो भी हाई रिस्क मदर्स होते हैं उनको हम लोग बिहार सरकार के साथ मिलकर हमारे SMNET कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा उनको ट्रैक करते हैं, ताकि उनका संस्थागत प्रसव हो, सुरक्षित प्रसव हो। साथ ही आपको पता होगा, बिहार ने 2008 में सबसे पहला न्यूबॉर्न गहन चिकित्सा इकाई SNCU वैशाली में बना था। उसके बाद से लगातार सारे जिला अस्पताल में, और अभी की बात करें तो टोटल 43 स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स, न्यूबॉर्न गहन चिकित्सा इकाई बिहार में बने हुए हैं। साथ ही एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज के लिए बिहार सरकार ने सब डिविजनल अस्पताल और डिलीवरी पॉइंट्स पर न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर बनाए हैं, ताकि बच्चा यदि
जन्म देने के बाद जल्दी से रोता नहीं है, उसको यदि एस्फिक्सिया होता है तो तुरंत वहाँ पर उसका रेसिसिटेशन किया जाए, उसका इलाज किया जाए, क्योंकि पैदा होने के बाद एक मिनट जो होता है इसको गोल्डन वन मिनट कहते हैं, उसी समय में इस बच्चे का उपचार किया जाए और बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है तुरंत उसको बचाया जाए। उसी साथ में ही जो पोस्टनेटल केयर सर्विसेज, बच्चा को यदि संस्था से डिस्चार्ज करते हैं तो यदि बच्चे का संस्थागत प्रसव हुआ है तो आशा बहन जी द्वारा 6 उनके घर पे विधिर किए जाते हैं इस न्यूबॉर्न अवस्था के दौरान, और यदि बच्चा घर में पैदा करता है तो 7 विधिर किए जाते हैं। और इस पोस्टनेटल केयर विजिट में बच्चे का रखरखाव कैसे करना है, उसको दूध कैसे पिलाना है, उसका नाभि किस तरह से साफ रखना है और बच्चे को किस तरह से रैप करना है, इसको बताया जाता है। यूनिसेफ राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ मिलकर सपोर्टिव सुपरविजन का काम कर रहा है ताकि ये सारे जो मैंने अभी उपाय बताए इसके अंदर क्वालिटी इंश्योर की जाए। तो बिहार सरकार यूनिसेफ मिलके काफ़ी कुछ कर रहे हैं इस नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, और ये हो भी रहा है। जैसे आंकड़े देख रहे हैं हम लोग तो काफ़ी गिरावट बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर की बिहार में हो रही है। सर, आज के एपिसोड में नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को कम करने के लिए और उसे निमोनिया से बचाव के लिए जो आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी से साझा की, मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक, अभिभावक, बच्चे इस एपिसोड को देख रहे हैं वो इस जानकारियों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे और नवजात शिशुओं के मृत्यु दर में कमी लाने में मदद करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया तथा इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। चलो हमला करें। वो देखो दो लड़के, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग, चलो हमला करें। इस वक्त बचाव ही इलाज है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें, सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क का उपयोग बढ़ाएं, कोरोना वायरस को फैलने से बचाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास बाजार में मिलने वाला मास्क नहीं है तो घर पर बने कपड़े के मास्क, जिन्हें धोया जा सकता है, उसका उपयोग करें। जब भी आप घर से बाहर जाएं, तो हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग किए गए मास्क या सूती कपड़े का उपयोग कभी न करें। घर पर बने कपड़े के मास्क को साबुन और गर्म पानी से धोएं और उसे धूप में सुखाएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। प्यारे बच्चों नमस्ते, आज आपने झुको, ढको और पकड़ो इन 3 चीज के बारे में जाना, अर्थात भूकंप के समय
हमें बचाव के तरीके के तौर पर इन तीनों का अभ्यास करना है। ये तो क्लियर है। तो बच्चों, अब आपको करना क्या है? आज आपने जो सीखा उसके आधार पर हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और एक गृह कार्य देंगे। सवाल को आपको ध्यान से सुनना है, उसके विकल्पों का सही चयन करना है और फिर उसको कॉपी पर लिखना है। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं क्विज और गृह कार्य के लिए? तो चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र का सवाल आपके सामने है। पहला सवाल, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी आपदा आती है? इसके विकल्प हैं, पहला बाढ़, दूसरा सुखाड़, तीसरा शीतलहर, चौथा वज्रपात और पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सुखाड़, शीतलहर, वज्रपात, ये सभी प्रकार की आपदाएं सामने आती हैं। दूसरा सवाल, जलवायु परिवर्तन के मानवीय कारक निम्न में से कौन है? इसके विकल्प हैं, पहला औद्योगीकरण, दूसरा वृक्षों की कटाई, तीसरा जनसंख्या में वृद्धि, चौथा ऊर्जा की अत्यधिक खपत और पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों, मानवीय कारक का मतलब है मानव के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के कारण होने वाले आपदाएं या जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये सभी जो दिए गए हैं इसको आप ध्यान से देखें और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात औद्योगीकरण के कारण, वृक्षों की कटाई के कारण, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, ऊर्जा की अत्यधिक खपत के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। तीसरा सवाल, अपने गांव के तालाब पोखरा के पानी को स्वच्छ रखने के लिए कौन सी गतिविधि नहीं करनी चाहिए? बच्चों, यहां ध्यान देना है कौन सी गतिविधि नहीं करना है। इसके विकल्प हैं, पहला तालाब में कपड़े धोना, दूसरा जानवरों का नहाना, तीसरा मोटर वाहनों को धोना, चौथा तालाब के किनारे शौच करना और पांचवा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया ना कौन सी गतिविधि नहीं करनी है? इसका सही जवाब उपरोक्त सभी, अर्थात ऊपर दिए गए सभी कार्य अपने तालाब या पोखरा को स्वच्छ रखने के लिए नहीं करना है। चौथा सवाल, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि योग्य जमीन पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है? इसके विकल्प हैं, पहला कृषि योग्य भूमि में कमी, दूसरा भोज्य पदार्थों के उपज में कमी, तीसरा मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी, चौथा मिट्टी की गुणवत्ता में कमी और पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि योग्य जमीन पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण उस कृषि योग्य भूमि कम हो रहे हैं, भोज्य पदार्थों की उपज में कमी आ रही है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी आ रही है, मिट्टी की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। पांचवा सवाल, वायु प्रदूषण को कम करने के प्रभावी उपाय निम्न में से कौन है? इसके विकल्प हैं, पहला खाना पकाने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए और चौथा उपरोक्त सभी। बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात वायु प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हा का प्रयोग करना चाहिए और कोयले इसे चलने वाले के बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करने से क्या होगा कि गाड़ियों की संख्या सड़कों पर कम जाएगी, तो इन सभी से वायु प्रदूषण कम होंगे। छठा सवाल, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके विकल्प हैं, पहला पेड़ पौधे मिट्टी को बांधे रखते हैं और मिट्टी कटने से रोकते हैं, दूसरा पेड़ पौधे से भूस्खलन की संभावनाएं कम होती हैं,
तीसरा, पेड़ पौधे वातावरण में विषैली गैसों को घुलने से रोकता है। चौथा, पेड़ पौधे होने से वातावरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब उपरोक्त सभी, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने आपसे 6 प्रश्न पूछे, वक्त है गृह कार्य का। आज आपने भूकंप से होने वाले खतरे एवं इससे बचाव के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है? आज जो आपने सीखा, जो जानकारी प्राप्त की, उसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं और भूकंप से बचाव के लिए झुको, ढको और पकड़ों का निरंतर अभ्यास करें। तो बच्चों, यह था इस सप्ताह का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बच्चों नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज आपने इस कार्यक्रम में भूकंप जैसी आपात स्थिति से निपटने के बारे में, उसके विभिन्न तरीकों और उपायों के बारे में जाना। साथ ही भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से हमें कैसे बचना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी आज आपने इस कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त की। और कार्यक्रम के बीच में आप सभी को हमारे दोस्त अप्पू के द्वारा बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी गई। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर सैयद हुबे अली, जो कि बिहार यूनिसेफ पटना के स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा भी आप लोग को निमोनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के विभिन्न उपायों के बारे में भी बताया गया। बच्चों, इन सभी कार्यक्रम में बताई हुई बातों से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न आपसे पूछे गए और आप लोग को एक होमवर्क भी दिया गया, जो कि आपको करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आप लोग के लिए बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण था। बच्चों, आज आपने जो भी सीखा और जाना, वो सिर्फ आप अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों, परिजनों, आस पड़ोस, माता पिता, सभी को बताएं। तो फिर अगले शनिवार को मैं एक नए विषय पर बहुत सारी जानकारियां लेकर फिर से आपसे मिलूंगी। तो अगले शनिवार को सुबह 9 बजे DD बिहार चैनल पर और शाम को 4 बजे इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। थोड़ी सी सहजता, सावधानी और तत्परता के साथ अपने आप को सुरक्षित रखें। तो अगले शनिवार तक का मैं आपका इंतज़ार करूंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।